गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस प्रीलिम स्पेशल डेली करेंट डोज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद अंतिम में 5 एमसीक्यू पर भी डिस्कशन करेंगे। ये अगस्त महीने का हमारा 5वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला टॉपिक हिजबुल्लाह के बारे में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिजबुल्लाह एक विद्रोही समूह किस देश से जुड़ा हुआ है। आपको दिए गए ऑप्शन में सीरिया, इजराइल या फिर नाइजीरिया, अफगानिस्तान कुछ भी दिया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे हिजबुल्लाह एक विद्रोही समूह है जो मुख्य रूप से सिया मुसलमानों का एक राजनीतिक दल होने का दावा करता है। ये आतंकी संगठन जब लेबनान में 15 वर्षों का गृह युद्ध चल रहा था उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय था। इस समूह को ईरान का समर्थन प्राप्त है और इस समूह के द्वारा मुख्य रूप से इजराइल का पुरजोर विरोध किया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इसी से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का, तो फ्रेंड्स इसी से संबंधित मतलब लेबनान से संबंधित एक शहर जो न्यूज में है वो है बेरूत। ये लेबनान की राजधानी है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि इस शहर में एक विस्फोट हुआ है जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब इसके ये जो क्षेत्र है पश्चिमी एशिया का, वो यूपीएससी का फेवरेट क्षेत्र रहा है। जब भी मैपिंग से संबंधित प्रश्न पूछती है इससे एक प्रश्न जरूर होता है। तो लेबनान न्यूज में है, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लेबनान को आप देखें, यह पश्चिमी एशिया का देश है। सऊदी अरेबिया, इराक, तुर्की, जॉर्डन, इजराइल और यहां पर आप लेबनान को देख सकते हैं। लेबनान की सीमा कौन से देशों के साथ लगती है? तो सीरिया सबसे ज्यादा इसी के साथ लगती है और फिर इजराइल। ये दो ऐसे देश हैं जिसके साथ लेबनान का बॉर्डर लगता है। ये एक भूमध्य सागरीय देश है, यानी कि लेबनान की सीमा भूमध्य सागर के साथ भी लगता है। ये इसको यदि आप जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं लेबनान, लेबनान में बेरूत शहर काफी महत्वपूर्ण है, बंदरगाह शहर है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा टॉपिक पोकली चावल के बारे में है। पोकली चावल हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया है। आप ये याद रखेंगे पोकली चावल मुख्य रूप से केरल के क्षेत्र में उगाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि खारे जल में इस धान की खेती की जाती है। पोकली चावल के धान की खेती खारे जल में की जाती है। कहां की जाती है? केरल में। इसे जीआई टैग भी दिया गया है इसी विशेषता की वजह से। न्यूज में क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स जो सुंदरवन का क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, वह क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में वहां के जो तटवर्ती किसान हैं उनके खेतों का जो खारापन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से सुंदरवन के क्षेत्रों में जो धान के किसान हैं उनको ज्यादा नुकसान होने लगा है। अभी प्रायोगिक तौर पर सुंदरवन के क्षेत्र में जो किसान हैं उन लोगों के द्वारा पोकली चावल की खेती की जा रही है। यदि ये सफल होता है तो ये उस क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि खारेपन की वजह से उनकी खेती को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो पोकली चावल की विशेषता याद रखेंगे, कहां पर इसे प्रशिक्षण के रूप में उगाया जाना है इसे याद रखेंगे, और इसकी क्या विशेषता है इसे याद रखेंगे, ये केरल में उगाया जाता है इसे भी आप याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा टॉपिक ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में है। आपको यह पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर किससे जुड़ा हुआ है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स जब भारत 1947 में आजाद हो जाता है उसके कुछ ही समय बाद भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष शुरू हो जाती है। उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है ताकि जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक तंत्र को अस्थिर किया जाए, वहां पर अशांति पैदा की जाए, वहां के जो लोग हैं उन लोगों को भड़काया जाए और भड़काकर भारत के विरुद्ध किया जाए। इसके लिए पाकिस्तान के द्वारा एक कार्यक्रम संचालित किया गया था, एक रणनीति तय की गई थी, तैयार की गई थी, और उसी रणनीति को ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा जाता है। आपको जिब्राल्टर आप जान रहे हैं कहां पर है, यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, यूरोप और
अफ्रीका के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। यदि आपसे यह पूछा जाए कि ऑपरेशन जिब्राल्टर किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान की रणनीति थी भारत में, भारत के विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में, और शांति पैदा करने के लिए। यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। हालांकि ये ज्यादा सफल नहीं हो पाया था, और इसी रणनीति के तहत अभी फिर से भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान से कुछ लोगों को भेजा जा रहा है, भारत में जम्मू कश्मीर में जो नागरिक हैं उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है अलग अलग नामों से, चाहे वो धर्म के नाम पर या फिर दूसरे अन्य कारणों को बता करके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए ये न्यूज में था। हमारे डिस्कशन का चौथा टॉपिक जो है वो अयोध्या मंदिर से संबंधित है। आपने देख लिया अयोध्या मंदिर बनना शुरू भी हो गया है, भूमि पूजन भी हो गई है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो अयोध्या मंदिर है उसको किस वास्तुकला की शैली से निर्मित की जाएगी। आप याद रखेंगे नागर वास्तुकला की शैली से अयोध्या मंदिर का निर्माण होगा। अब जानते हैं भारत है दक्षिणी हिस्से में द्रविड़ शैली, उत्तरी हिस्से में नागर शैली, और बीच का जो हिस्सा है वहां पर बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। हालांकि जो उत्तरी हिस्सा है उसमें भी बहुत सारे ऐसे उप शैली होती हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम अयोध्या मंदिर के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अयोध्या मंदिर में जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसकी वास्तुकला नागर शैली में होगी, इसे आप ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से उत्तर भारत में जो मंदिर होते हैं नागर शैली में ही होते हैं। इसमें एक जगती नामक चीज होती है। जगती क्या होता है, जो चबूतरा होता है, यहां पर जो आप मंच देख रहे हैं, जो चबूतरा देख रहे हैं, वो नागर शैली के अंतर्गत जगती कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। गर्भगृह होता है, गर्भगृह वो वैसा स्थल होता है मंदिर का, मुख्य स्थल होता है जहां पर मुख्य देवता को रखा जाता है, स्थापित किया जाता है। प्रदक्षिणा पथ, ये नागर वास्तुकला की एक विशेषता है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, जो मंदिर होती है और उस मंदिर में जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के चारों ओर जो स्थल होता है, खुला स्थल होता है, उसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ, जिसके चारों ओर जो भक्त होते हैं वो जाते हैं और भगवान के दर्शन करने के बाद चक्कर लगाते हैं। हरे राम हरे कृष्ण का जो कीर्तन किया जाता है वो भी प्रदक्षिणा पथ में ही किया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इससे जुड़े हुए दूसरे महत्वपूर्ण जानकारियों में गर्भगृह क्या होता है, हमने इसे देख लिया। मंडप, मंडप एक ऐसा जगह होता है फ्रेंड्स, जो गर्भगृह होता है उसके बाहर में एक ऐसा खुला हुआ क्षेत्र होता है जहां भक्त बैठते हैं या फिर वहां पर पूजा की तैयारी की जाती है, मतलब एक खुला क्षेत्र होता है जिसे हम मंडप कहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। शिखर क्या होता है, गर्भगृह के ऊपर जो एक पहाड़नुमा आकृति होती है उसे शिखर कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। वाहन, ये मुख्य देवता के ठीक सामने में रखा जाता है, मुख्य देवता के बिल्कुल सामने में जो जगह होती है उसको वाहन कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नागर शैली की कुछ उप शैलियां हैं, जैसे कि ओडिशा, ये भारत है, ओडिशा के क्षेत्र में नागर शैली के अंतर्गत ही जिस वास्तुकला का निर्माण किया जाता है वो ओडिसी शैली होती है। उसके बाद बीच वाला जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहां पर खजुराहो है। उसके बाद जो महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से और गुजरात के क्षेत्र में जिस नागर शैली के उप शैली से मंदिरों का निर्माण किया जाता है वो सोलंकी है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इन तीन उप शैलियों को आपको याद रखना है। हमारे इस डिस्कशन को आप जीएस पेपर 1 के 8 कल्चर से जोड़कर देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का पांचवा टॉपिक उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी से संबंधित है, यानी कि हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना मतलब इस वित्त पोषण एजेंसी की स्थापना 2017 में की गई थी, इसे आपको याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अभी जब शिक्षा नीति आई तो इस संस्थान का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस वित्त पोषण संस्थान जो है, जो एजेंसी है, उसको दो अलग अलग निकायों से मिलाकर बनाया गया था। एक तरफ तो भारत सरकार थी और दूसरी तरफ केनरा बैंक। इन दोनों को आपको याद रखना है, मतलब उच्च शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी का निर्माण किया गया है। इस एजेंसी को दो निकायों को,
दो निकायों के द्वारा बनाया गया है, एक तो भारत सरकार और दूसरा है केनरा बैंक। भारत सरकार के द्वारा इसमें 91% भागीदारी रखी गई है और केनरा बैंक 9.09% हिस्सेदारी रखता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को, तो फ्रेंड्स ये जो निर्मित किया गया है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक कंपनी है, ठीक। आरबीआई के अंतर्गत भी इसे एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया है, यानी कि गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में भी एचईएफए कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, आप देखे होंगे जो वैश्विक लेवल का जब रैंकिंग जारी किया जाता है विश्वविद्यालयों का, तो भारत के आईआईटी एनआईटी या फिर आईआईएम उनको टॉप 100 में भी जगह नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जिनको स्थान मिलता है लेकिन वो प्रतिष्ठित नहीं होता है, टॉप 10 में, टॉप 50 में बहुत कम ही होते हैं जिनको स्थान दिया जाता है। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि जो भारत के अलग अलग उच्च शिक्षण संस्थान है आईआईटी एनआईटी आईआईएम, उनको ऐसी अवसंरचना विकसित करने के लिए वित्तपोषित किया जाए, इतने पैसे दिए जाए ताकि वो अपने आरएनडी को, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम को खुले तौर से कार्य कर सके, पैसों की दिक्कत ना आए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस एजेंसी का निर्माण किया गया था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य क्या है याद रखेंगे, कंपनी अधिनियम के माध्यम से कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, आरबीआई के अंतर्गत एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड है, किनके किनके द्वारा इसे निर्मित किया गया है, हिस्सेदारी कितना कितना है, मंत्रालय किसके अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है, इन सारी बातों को याद रखें। यह पैसा कहां से जुगाड़ करता है फ्रेंड्स, इसको भारत सरकार के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है, सीधे सीधे पैसा नहीं दिया जाता है, यह निजी क्षेत्र से या फिर कॉरपोरेट क्षेत्र से इक्विटी के माध्यम से पैसा जारी इकट्ठा करती है, मतलब बॉन्ड रिलीज करेगी, उस बॉन्ड को आम जन खरीदेंगे या फिर कोई निजी कंपनी खरीदेगी, कॉरपोरेट खरीदेंगे और वहां से इनको पैसा मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी इन सारी बातों को मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक और बात है जिसको आपको याद रखना है, CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो भारत के बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, औद्योगिक घराने हैं, उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आप अपने कमाई का, आप अपने फायदे का कुछ एक निश्चित प्रतिशत समाज के उत्थान के लिए करें। तो जो पैसा किसी कॉरपोरेट घराने के द्वारा समाज के उत्थान के लिए निवेश किया जाता है, तो उसी दायित्व को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। तो जो कॉरपोरेट घराने हैं या फिर जो औद्योगिक संस्थान हैं, उनके द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है, उन पैसों को HEFA के अंतर्गत भी पैसा देकर खर्च किया जा सकता है। यदि कॉरपोरेट घराने इस कोष में पैसा देते हैं तो उसे भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाएगा, आप समझ गए हैं, हम चलते हैं आगे। अच्छा, न्यूज में क्यों आया था फ्रेंड्स, क्योंकि जो जेएनयू है उसके लिए अलग बिल्डिंग, अलग छात्रावास, इस तरह का प्रावधान किया जाना है, अलग कैंपस का निर्माण किया जाना है। तो इसलिए जो केंद्रीय मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, उसके द्वारा पैसे आवंटित किए गए हैं, इसलिए न्यूज में था। इसी के माध्यम से, यानी कि HEFA के माध्यम से पैसे आवंटित किए गए हैं, इसलिए न्यूज में था, तो आप ध्यान रखेंगे। एक और जानकारी है इसी से संबंधित, राइज 2020। देखिए, हम लोगों ने अभी क्या देखा, HEFA, उसके अंतर्गत भारत के जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उन लोगों को पैसे आवंटित किए जा रहे हैं, लेकिन राइज 2020 इसके अंतर्गत भी भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में पैसे निवेश किए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे आईआईटी है, भारत में बहुत सारे आईआईटी हैं, बहुत सारे आईआईएम हैं, लेकिन कुछ ऐसे आईआईटी को चयनित किया जाएगा, कुछ ऐसे आईआईएम को चयनित किया जाएगा, और इन चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों को पैसे आवंटित किए जाएंगे राइज 2020 के अंतर्गत। इसकी घोषणा वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में किया गया था और यह कार्यक्रम आने वाले 4 सालों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 1,00,000 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रावधान करता है। इसमें जो चयनित किए जाएंगे उन लोगों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लक्ष्य यही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संबंधी कार्य को
बेहतर करना और संरचना को बेहतर करना, ताकि वैश्विक लेवल पर जो भारत के चुनिंदा इंस्टीट्यूट हैं उनको स्थान दिलाया जा सके। इसे आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला जो टॉपिक है वो आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियों से संबंधित है। हुआ क्या था कि जनवरी 2020 में जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उनके द्वारा एक अधिनियम, एक विधेयक पास किया जाता है, आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम, इसे पास कर दिया जाता है। इसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियां होंगी। एक जो होगा वो अमरावती में होगी और ये उसकी विधायी राजधानी होगी, दूसरा विशाखापत्तनम होगी वो उसकी कार्यकारी राजधानी होगी, और कुर्नूल होगी ये इसकी न्यायिक राजधानी होगी। ये विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल, इसे आप देख सकते हैं। 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गए थे, उसके बाद यहां पर इस चीज का प्रावधान किया गया। इसके बाद जब इस बात को, इस विधेयक को पास कर दिया गया, उसके बाद में आंध्र प्रदेश की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसने इस पर रोक लगा दिया था 14 अगस्त तक के लिए, कुछ बात विचारों पर ध्यान रखने के लिए। अभी यह समय सीमा समाप्त हो रही है तो इसलिए फिर से यह न्यूज में आ गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इन सारी क्षेत्रों को आप याद रखेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर यदि हम ध्यान दें तो फ्रेंड्स, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि अगर ऐसा प्रावधान किया जाए तो इससे राज्य का समावेशी विकास हो सकेगा, मतलब उत्तर में, मध्य में और दक्षिण में सारे ही क्षेत्रों में विकास संभव हो पाएगा। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा तर्क दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। इसके लिए बहुत सारे ऐसी समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण समिति था, के शिव राम कृष्ण समिति था और एक जी एन राव समिति था। इनके द्वारा भी इसी बात को लेकर, मतलब समावेशी विकास के लिए विकेंद्रीकरण किया जाए, विकास को विकेंद्रीकरण किया जाए, न्यायिक विकेंद्रीकरण किया जाए, या फिर जो केंद्र का, जो राजधानी का स्थापना किया जाना है उसको विकेंद्रित किया जाए, इस बात पर सभी समितियों के द्वारा सलाह दी गई थी और इन्हीं को आधार बनाकर वहां की सरकार के द्वारा इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला, क्या आंध्र प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहां पर एक से ज्यादा राजधानियां हैं? जी नहीं, पहले से कुछ ऐसे राज्य हैं जो बड़े राज्य हैं जिनका विस्तार ज्यादा है, वहां पर ऐसे प्रावधान किए गए हैं। कुछ पारिस्थितिक कारणों से भी ऐसे किए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसकी दो राजधानियां हैं, एक तो मुंबई और दूसरा है नागपुर। नागपुर जो है वो एक शीतकालीन राजधानी है, किसकी? महाराष्ट्र की। हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला जो है वो इसकी शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य के रूप में हुआ करता था, वहां पर भी इसका प्रावधान था। श्रीनगर और जम्मू जो था वो इसकी शीतकालीन राजधानी थी, क्योंकि श्रीनगर में शीतकाल जब आती है, ठंड जब आती है तो बर्फ पड़ जाते हैं, तो वहां पर जो विधानसभा होती है उसको चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जम्मू में आकर विधानसभा को संचालित किया जाता है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का सातवां टॉपिक जो है वो परिवार पहचान पत्र के बारे में है। अभी तक हम वोट देने जाते हैं तो हम लोगों ने पहचान पत्र जाना है, और उस पहचान पत्र व्यक्तिगत रूप से होता है, हर व्यक्ति के लिए एक पहचान पत्र होता है। हरियाणा सरकार क्या कर रही है कि परिवार के लिए एक पहचान पत्र दिया जाएगा। क्यों? ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सामाजिक योजनाएं चलाई जाती हैं, उन सामाजिक योजनाओं का लाभ उस परिवार को दिया जा सके। तो ये आप राज्य का नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसमें एक प्रावधान किया गया है कि जैसा ही कोई बच्चा जन्म लेगा, उस बच्चे का नाम इस पहचान पत्र में जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही किसी बच्ची का शादी होगा, किसी लड़की का शादी होगा 18 साल के बाद, तो उसको उस परिवार से नाम को कटवा दिया जाएगा और जिस परिवार में उसका शादी हो गया है वहां पर उसे जोड़ दिया जाएगा। तो यह प्रावधान किया जाएगा। तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है राज्य का नाम और क्यों इसे किया जा रहा है, उसे आप याद रखेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बहुत सारे सरकारी सामाजिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं।
सबसे पहला एमसीक्यू जो है सो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस से संबंधित है। क्या कहता है, एक वैश्विक सामाजिक स्वास्थ्य खतरा है क्या AMR, और भारत में कुछ सबसे अधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध दर है वैश्विक लेवल पर। तो ये बताता है, आपको जानकारी दी गई है, कहता है कि भारत में AMR को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं। यहां पर तीन ऑप्शन में आपको गंगा में सामूहिक स्नान, पशुधन उद्योगों में एंटीबायोटिक दवाओं का तर्कहीन उपयोग, दवा उद्योग द्वारा अपशिष्टों को अनियंत्रित निर्वहन। फ्रेंड्स, मैं इसको आपको समझाता हूं, आप पेशेंस के साथ समझिए, आपको आसान होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, मान के चलिए किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो गई है, अब उसको इलाज करने के लिए दवा दिया जाएगा। उस व्यक्ति के शरीर में यदि टीबी हो गया है तो बैक्टीरिया है जो उसके शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, उसके फेफड़े को प्रभावित कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति के द्वारा उस बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक लिया जाएगा, और टीबी की बीमारी हो जाती है तो बहुत लंबे समय तक इलाज चलता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसके शरीर के जो बैक्टीरिया हैं उन पर जो एंटीबायोटिक लिया जा रहा है वो काम करना बंद कर देगा। मतलब उसके बैक्टीरिया जो है उसके शरीर में वो उस दवा के प्रति अपने आप को प्रतिरोधी बना देंगे, वो दवा बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए कार्य ही नहीं करेगा। तो इस गुण को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध, AMR, ठीक है, इसे आप जान लिए। अब ये कह रहा है कि भारत जो है वहां पर इस प्रकार के गुण जो है वो वैश्विक लेवल में सबसे ज्यादा पाए गए हैं, ये जानकारी थी। अब आपको ये पूछ रहा था कि कौन से वो कारण है जिसकी वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो तीन कारण दिए गए हैं तीनों के तीनों ही वो कारण है, क्योंकि सामूहिक रूप से जब स्नान किया जाएगा तो जो लोग टीबी का दवा ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, वो एंटीबायोटिक का कुछ अवशेष ऐसा होगा जो स्वस्थ लोगों में चला जाएगा, बच्चों में चला जाएगा, बूढ़े व्यक्ति जो कि स्वस्थ हैं उनमें चला जाएगा। और यदि वो ऐसा हो जाता है तो उस व्यक्ति में यदि बीमारी बाद में उत्पन्न होती है तो दवा यदि उस व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है तो वो काम ही नहीं करेगा। तो ये पहला बिल्कुल सही है, कुछ ऐसे दवा होते हैं जिनको ज्यादा दूध उत्पादन करने के लिए जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, गायों को खिलाते हैं ताकि गायों को बीमारी ना हो, और उसी क्रम में वो दूध दूहते रहते हैं। अब दूध को कौन पी रहा है, बच्चे या तो बूढ़े पी रहे हैं, और यदि ऐसा हो तो और अवशेष दूध में एंटीबायोटिक का रह जाए तो बाद में यदि कोई बीमारी हो जाती है उस बच्चे को या फिर उस बूढ़े को तो उसमें दवा ही काम नहीं करेगा। तो यह भी दूसरा भी बिल्कुल सही है। और दवा उद्योग में भी बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनको हवा में छोड़ दिया जाता है, बाद में वो पानी में घुल जाते हैं, धीरे धीरे वो जलस्तर में चले जाते हैं, फिर उस दवा को जब उस पानी को उपयोग किया जाएगा तो मनुष्य के शरीर में आ जाएगा। तो ये सारे कारण हैं, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। हमारे डिस्कशन का दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कथनों के अनुसार चयन करें। तीन जानकारियां दी गई हैं, आपको चुनना है ये किसके बारे में विशेषता है। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में आप ऑप्शन को देखेंगे, आम क्रेन जो क्रेन होती है, पक्षी होती है, मन गाओ, अगला कहता है चूहा सांप, इसके बाद कहता है मनगो, कहता है मनगाओ नहीं मानगो, ये एक प्रकार की घास होती है, अब ये क्या बोल रहा है चूहा सांप, और अगला कहता है लाल चावल। अब जानकारियों को देखते हैं, पहला क्या कहता है, यह लोकप्रिय रूप से धमान के रूप में जाना जाता है, व्यापक रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है, कुछ पता नहीं चला, आगे चलते हैं। यह कई प्रकार अनुकूलित गुणों के लिए जाना जाता है, शुष्क भूमि, खुले खेत, खेत तटीय क्षेत्र, मीठे पानी या खारे पानी में आर्द्र क्षेत्र के लिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित रह सकता है। अब कौन हो सकता है, या तो वो चावल हो सकता है, या फिर वो चूहा सांप हो सकता है, या फिर मानगो हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि जो क्रेन होती है उसको किसी विशेष परिस्थिति में जीवित रहने के लिए माना जाता है। अगला क्या कहता है कि इसे किसान मित्र भी कहा जाता है, तो चावल को कैसे किसान मित्र कहा जाएगा। मानगो जो है ये एक खतरनाक घास होती है, वो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, तो ये नहीं हो सकता, सांप चूहा हो जाएगा। इंडियन
सांप चूहे जो होते हैं उनको किसान मित्र कहा जाता है। ऐसे ही करके आप उत्तर निकालेंगे। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों का, तो ये स्नेक जो होती है, ये सांप जो होती है, वो जहरीला नहीं होती है, विशेष रूप से मानवों के लिए ये जहरीला नहीं होती है। जब खेतों में कुछ कीट आ जाते हैं या फिर खेतों में कुछ चूहे आ जाते हैं, तो उनको मार करके, उनको खा करके ये खेती को बचाने का कार्य करता है, इसीलिए इसको किसान मित्र कहा जाता है। ये ऐसे सांप हैं जो बहुत सारे क्षेत्रों में, मुख्य रूप से जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई का क्षेत्र है, वहां पर पाए जाते हैं। अब ये नुकसान तो देते नहीं है क्योंकि मानवों को काटते नहीं है, काटते हैं तो भी ये मानवों को कुछ नुकसान नहीं होता है। तो ये जो सांप होते हैं उनको किसान मित्र कहा जाएगा। ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अपने आप को जीवित रख लेते हैं, उनके हिसाब से अपने शरीर को अनुकूलित करने की ये क्षमता रखते हैं, चाहे वो आर्द्र क्षेत्र हो, खारे पानी का क्षेत्र हो, मीठे पानी का क्षेत्र हो, तटीय क्षेत्र हो, खुला मैदान हो, कहीं भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, इसको खाने के लिए क्या चाहिए? ये कीटों को भी खा रहे हैं, चूहों को भी खा रहे हैं, या फिर दूसरे ऐसे चीज हैं जिनको भी खा रहे हैं। जब इनको भोजन मिल रहा है तो ज्यादा संभावना है कि ये अपने आप को जीवित रख पाएंगे। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये इंडियन रैट स्नेक कहा जाता है, ठीक है। इनकी आबादी का अच्छी खासी है, पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। हमारे डिस्कशन का तीसरा एमसीक्यू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बारे में है। इसके बारे में कहता है कि कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको उसका चयनित करना है। पहला कहता है AIIB में 100 से अधिक राष्ट्र हैं, 103 हैं जनवरी 2020 तक, यानी कि पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है कि बैंक के निदेशक मंडल में स्थायी सीट का आनंद लेने वाला भारत एकमात्र देश है। जी नहीं, भारत एकमात्र देश नहीं है, एक तो चीन इसके निदेशक मंडल में है और दूसरा है भारत, यानी कि दो इस बैंक के निदेशक मंडल में स्थायी सीट रखने वाले देश हैं, यानी कि दूसरा गलत हो जाता है। तो बी और डी खत्म। अगला क्या कहता है कि AIIB का एशिया के बाहर का कोई देश नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो AIIB में सदस्य हैं और वो एशिया के नहीं है, तो इसलिए तीसरा भी गलत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। UPSC ने आई थिंक 2015 या 16 में इससे संबंधित प्रश्न पूछ चुकी है, पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर यदि हम ध्यान दें, तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, इसकी राजधानी चीन बीजिंग में है, वर्तमान में 103 देश हैं। ये मुख्य रूप से बुनियादी संरचनाओं को निर्मित करने के लिए कार्य करता है, मुख्य रूप से जो एशिया प्रशांत के क्षेत्र हैं, एशियाई क्षेत्र है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सभी देशों को लोन देता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का, तो फ्रेंड्स, भारत इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है, मतलब सबसे बड़ा जो लाभ है वो भारत ही उठा रहा है, सबसे ज्यादा लोन इससे भारत ही लेके रखा है, लगभग 4.35 बिलियन डॉलर भारत ने उधार लेके रखा है इससे, ठीक है। जब इसका निर्माण किया गया था तो कुल 57 इसके संस्थापक देश थे, भारत भी उनमें से एक था। इसके सबसे बड़ा हिस्सेदारी रखने वाला देश में चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है जिसकी हिस्सेदारी 7.62% है, चीन की 26.06% है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा एमसीक्यू क्या कहता है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में? IPBES के बारे में। IPBES क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए, ये एक निकाय है, एक संगठन है। वो संगठन क्या करता है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा विकास का कार्य किया जाए कि देशों को विकास विकसित भी किया जाए, समाज को सतत विकास के क्षेत्र में आगे भी बढ़ाया जाए, और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान भी ना हो। मतलब जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और उस देश के विकास के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए यह एक अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच के रूप में कार्य करता है। आपने इसके बारे में समझ लिया। अब आगे हम देखते हैं क्या कहता है कि यह एक संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है। बिल्कुल सही है, यह संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है, यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो संयुक्त राष्ट्र से बाहर रहकर कार्य करता है। हालांकि
जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है यानी कि यूएनईपी, ये इसका जो कार्यालय है उसके कार्यालय को ये एक सचिवालय सेवा प्रदान करता है। मतलब इसका जो सचिवालय है उसको, उसका सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है, यूएनईपी के अंतर्गत, यानी कि दूसरा भी सही है। तीसरा क्या कहता है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट IPBES की एक रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है, इस रिपोर्ट को हमने अपने पिछले डिस्कशन में देखा था, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का पांचवा प्रश्न क्या कहता है, बुडापेस्ट कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तीन कथन फिर से दिए गए हैं, आप इन तीनों कथनों में से सही कथन की पहचान करें। पहला क्या कहता है, सम्मेलन साइबर अपराध पर एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है। याद कर लीजिए, बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है वो साइबर अपराध को रोकने के दिशा में कार्य करने वाला एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है, इस बात को आप याद रख लीजिए। दूसरा, बुडापेस्ट कन्वेंशन एक्सनोफोबिया और जातिवाद पर एक प्रोटोकॉल का पूरक है जो कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से किसी को हैक करना, लेवी मांगना इत्यादि कोई भी कार्य किए जाते हैं, उस पर एक कन्वेंशन किया गया था, बुडापेस्ट कन्वेंशन, और उसी कन्वेंशन के अंतर्गत साइबर अपराध को रोकने की दिशा में कार्य किया जाता है। दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कहता है, भारत को इस संधि में शामिल होना बाकी है। 2001 में जब इस संधि को बनाया गया था, इस कन्वेंशन को लाया गया था, तब से कोशिश किया जा रहा है कि भारत इस समझौते में शामिल हो जाए, लेकिन वर्तमान तक भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है। भारत के अपने तर्क हैं, अभी तक आपको बस यही याद रखना है कि भारत इस संधि में हिस्सेदार नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, काफी लंबा हो चुका है, लेकिन आई होप आपने बहुत सारी जानकारियों को सीखा है। आप PDF डाउनलोड करें और उस PDF को 2 से 3 बार रिवाइज करें, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।